रांची यूनिवर्सिटी के एनएसएस के कोऑर्डिनेटर माननीय डॉक्टर ब्रजेश सर, झारखंड के महिला में सबसे आगे कहीं महिला अध्यक्ष के रूप में, जो कि हमारा अखिल भारतीय की ओर से उपस्थित हैं और जो रांची यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग के व्याख्याता हैं माननीय डॉक्टर सुनीता गुप्ता मैडम, इस महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रंजीत सर, इस कार्यक्रम मीन्स एनएसएस जो हमारा एनएसएस के थ्रू कार्यक्रम हो रहा है, इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे कॉलेज की ओर से डॉक्टर निक्कू मैडम, और इस कार्यक्रम में उपस्थित बीएड और डीएलएड के सभी व्याख्यातागण, कर्मचारीगण और यहाँ पे उपस्थित डीएलएड के छात्र छात्राएं, अभी आप लोगों ने सुना कि हमारा देश की आजादी के 75 साल हो गए, और जैसे अभी डॉक्टर सुनीता मैडम और डॉक्टर ब्रजेश सर ने भी बताया कि हम लोग अभी भी जो है 200 साल पीछे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रही। 200 साल पीछे हमारा भारत विश्व गुरु हुआ करता था, ये सब कोई बोले कि हाँ यही से ज्ञान का बंटवारा होता। सुनीता मैडम ने जैसे बताए कि अ से ज्ञान, अ से अनपढ़ और ज्ञ से ज्ञानी। एक तरह से अगर हम लोग कहें कि हम लोग अनपढ़ भी रहते हैं और ज्ञान तक पूरी तरह से ज्ञान भी हम ही मानते हैं, तो पूरे विश्व को जो है हम ज्ञान देने वाले और अभी हम कहीं ना कहीं खो गए, तो हमें फिर से जो है उस ज्ञानी को प्राप्त करना है, और इसको प्राप्त करने में यहाँ पे जो भी हमारे भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका महत्वपूर्ण हाथ हो, क्योंकि आप एक ऐसा नीव है, आप एक ऐसी नदी की धारा है कि जिधर भी बहेंगे उधर अमृत महोत्सव, जिस ओर आप मुड़ेंगे उधर ही अमृत महोत्सव। आप चाहेंगे कि हाँ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, उसको कोई अंग्रेज तोड़ नहीं सकता, तो कोई ऐसा अभी तक है नहीं कि हम उसको होने दें और तोड़ने दें। हमारी परंपराएं अभी भी मौजूद है, कहीं होती है, थोड़ी सी हम भटक गए हैं, तो यह हमारा काम होगा। आप लोगों से हमारा आग्रह है कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, क्योंकि टीचर हो भी आप न्यू टीचर, फाउंडर टीचर, आप अगर बच्चे के दिमाग में भर दिए कि बेटा आप भारतीय हो तो भारतीय, आपकी परंपरा आपकी संस्कृति भारत से, भारत ही है तो भारत है, इंडिया नहीं, तो सोच लो, क्योंकि आप वो युवा पीढ़ी हो, जैसे अभी सर ने भी कहा कि युवाओं ने चाहा तो देश को जिस ओर चाहे उस ओर मोड़ सकते, तो हम लोग आज प्रण करते हैं कि हम लोग भी आगे जो है अपनी जो भी संस्कृति है, जो भी परंपराएं हैं, जो भी रीति रिवाज है, उसको बचा के रखेंगे हम। ठीक है, जैसे मैडम ने भी कहा कि हमको समय के अनुसार चलना है कि कहाँ अंग्रेजी बोलनी है, कहाँ हिंदी बोलनी है, कहाँ पे हमें अपनी जो भी लोकल रीजनल लैंग्वेज है, जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसको बोलनी है, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय भाषा में गम नहीं है, वो भी हमारे भारत की भाषा है, उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसको भी हमको जागृत करनी है। अभी जैसे बात हो रही है कि हाँ जो भी हमारे गुमनाम है, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, ये बहुत दुख की बात है। अभी भी जैसे बात हुई भारत का नाम कैसे पड़ा, तो ये हम लोगों को जाननी चाहिए, कोई बात नहीं है, हम लोग अभी स्टार्टिंग में है, मीन्स अ में है, अब गया तक हमको जाना है, अनपढ़ थे अब ज्ञानी जो है हमको बनना है, तो इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि अब आप ही हैं
जो पूरे देश में छाएंगे, हर समाज में छाएंगे, हर राज्य में छाएंगे। और आप जो ज्ञान देंगे उसी के अनुसार हमारे देश की गरिमा बनेगी। ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि टीचर जो है जो चाहेंगे वही हो। एक टीचर होता है जो पूरे एक समाज को जो है एक टीचर सुधार सकती है। तो एनएसएस के थ्रू जो हम लोगों का कार्यक्रम होता रहा है, हम भी जो है कोई जरूरी नहीं है कि एनएसएस को ही हम इंतजार करें, हम भी एक शिक्षक हैं तो हम भी जो है पहल करें। यहाँ पे हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, हमारे मुख्य अतिथि जो भी रहते हैं वो भी हमसे निवेदन करते हैं कि हम अपनी राज्य की अपने राष्ट्र की जो भी संस्कृति है उसको हम दिखाएं, विदेशी संस्कृति को। बोला जाता है ना, सर भी कहते हैं कि हम अपनी जो भी पुरानी विचारधारा है उसमें एक आदर है, एक संस्कार है, इस मिट्टी में भारत माँ की महक है, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम चाहें तो 200 साल के हम लोग उसको बहुत जल्दी फिर से हम वही भारत को पाएंगे, इंडिया और हिंदुस्तान हटा देंगे। इतना ही कहकर मैं जो है अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।